अरे चलो पीछे जान दे जाने राखी जी दीपक जान मेरी गाड़ी का लेट आया राखी जी सर राखी जी बोलने से दिलाल का होता है आप बोलिए राखी जी बोलो शादीशुदा हूँ ना बोल नहीं पाऊंगी राखी जी क्योंकि मेरे ससुराल की इज्जत भी रखनी है इसलिए बोल नहीं पाऊंगा राखी जी पर सब लोग बोल रहे काफी फेक है तस्वीरें फेक है उसको उसको उसके लिए क्या कुछ करना थैंक यू सब असली है भाई थैंक यू सारे मेरे शादी के प्रूफ दिए हैं मैंने सब कुछ असली है मीडिया सारी अंधी है क्या जाके वो दिया हुआ कोर्ट में जाके चेक कीजिए ना आप लोग जाके क्यों नहीं चेक कर रहे क्यों नहीं चेक कर रहे भाई बोले थे कि 10 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 10 दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या राखी जी ऐसा क्या लगता है क्या होगा 10 दिन में इज्जत वापस आ जाएगी राखी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा आपकी तरफ से क्या कुछ गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी सुरेश क्या कर रहा है लाइट कवर हो गया मेरा माँ मेरी बेहोश है हॉस्पिटल में बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक बार भी चैन से सोई नहीं हूँ मैं माँ को देखू के ये सब प्रॉब्लम्स देखू मैं मेरे कोई नहीं इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में प्लीज राखी जी कोई नहीं चलो जान दो इधर इधर गाड़ी ले ले रोहित ठक ना राखी जी सब लोग हैं आपके साथ हम लोग हैं राखी जी हमने बीच में से अभी तो तो जाइए ना वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जाके बात कीजिए ना एक लड़की शादी करती अपना घर बसाने के क्यों है मेरी जिंदगी में इतने दुख पहले भी ऐसा हुआ सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ राखी जी क्या सलमान जी बात हुई आपसे सलमान जी से मेरे मैटर में सलमान जी क्या करेंगे उनको मैं नहीं सताना चाहता जो कुछ कर सकते हैं वो आदि ली कर सकते सलमान जी क्या कर ले बात कीजिए ना कोई फायदा नहीं है उनसे बात करके आज भी मैंने कहा एक बार मीडिया में कह दो मेरी माँ आज चलने लगी है थोड़ी उठी बेड से मेरी माँ को पता चल गया तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी मर जाएगी मेरी माँ अभी तक मेरी माँ को नहीं मालूम है ऐसे न्यूज चल रही मेरी मासियों को मेरे खानदान को मालूम पड़ा है मेरे खानदान मेरी मासियाँ मेरे माँ बाप सब लोग बोलते हैं कि मम्मी तक ये न्यूज ना पहुंचे लेकिन मम्मी होश में आ जाएगी तो ये न्यूज सुनेगी तो घर वाले क्या बोले कुछ के घर वाले से मेरी बात हुई है उन्होंने उनको समझाया वो बहुत अच्छे हैं उन्होंने समझाया कि भाई अगर तूने सचमुच निकाह किया है तो अगर निकाह किया है तो तू कबूल करने में क्या हर्ज है सबके सामने उनके घर वाले बहुत अच्छे हैं
उनको टाइम लगेगा मुझे अपनाने के, लेकिन आदिल ने तो मेरे साथ कसम खाई है।